नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मधेपुरा के में है और ये मधेपुरा यूनिवर्सिटी का प्रांगण है जहां पे कुछ देर बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रार्थना सभा होने वाली है, श्रद्धांजलि सभा होने वाली है। हम आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आज शरद यादव जी को श्रद्धांजलि दिया जाएगा, उन्हें श्रद्धा सुमन दिया जाएगा। इसकी तमाम तैयारियां कर ली गई है। दो दिन से जो है शरद यादव जी की अस्थि कलश यात्रा चल रही थी, पटना से चलकर अस्थि कलश यात्रा देर रात मधेपुरा पहुंची है और अब से कुछ देर बाद यहाँ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में बड़े पैमाने पर मधेपुरा और इसके आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अभी ही लोग जो है बैठना शुरू कर दिया है, बड़ी संख्या में जो है लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनमें यूथ और बुजुर्ग तमाम तरह के लोग जो हैं, ज्यादा संख्या यूथ की है जो अभी से तेजस्वी यादव की इंतजार कर रहे हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि आरजेडी की ओर से आयोजित की गई है ये शरद यादव की श्रद्धांजलि सभा। शरद यादव मधेपुरा से चार बार सांसद रहे हैं और मधेपुरा के कण कण में जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वो कहते हैं कि मधेपुरा के कण कण में जो है बसे हुए हैं शरद यादव। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ की। कुछ देर बाद डिप्टी सीएम यहाँ सभा को संबोधित करेंगे और तमाम तरह के आयोजन जो है यहाँ पे होने हैं। यहाँ पे भजन गायन के लिए भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा शरद यादव जी की तस्वीर लगाई गई है यहाँ पे, जिसपे श्रद्धा सुमन लोग जो है यहाँ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले लोग जो है वो अर्पित करेंगे। हम आपको बता दें कि आरजेडी के तमाम बड़े नेता जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहाँ पे शरद यादव का परिवार बैठेगा, यहाँ उनके बेटे शांतनु बुंदेला, सुभाषिनी यादव और प्रोफेसर रेखा देवी का बैठने की व्यवस्था की गई है। इस तरफ जो है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठेंगे और जो भी आरजेडी के मंत्री है, विधायक हैं, वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो यहाँ पे आए हुए हैं, फिलहाल वे सर्किट हाउस में है और कुछ देर बाद सभा स्थल पर पहुंचने यार। अरविंद जी हमारे साथ आरजेडी के हैं नेता अरविंद जी, जो न सिर्फ शरद यादव के बेहद करीबी रहे हैं, लालू जी के भी बेहद करीबी हैं। अरविंद जी, आज के आयोजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज समाजवादी महानायक स्वर्गीय शरद यादव जी का श्रद्धांजलि कलश के लिए श्रद्धांजलि सभा के रूप में इसको देखिए और इसका शुभारंभ बिहार के तेजस्वी तेज मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा होगा और उनमें बिहार सरकार के स्थानीय मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी और समस्त राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता और आम जनता बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है और इस ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि सभा है आदरणीय शरद यादव की लोकप्रियता का प्रमाण, और इसमें उनकी पत्नी डॉक्टर रेखा यादव और सुभाषिनी और उनके पुत्र, ये समस्त लोग और उनके पुत्र दामाद, समस्त लोग यहाँ पधारे हुए हैं और वो लोग इसमें देंगे अपना ये ठीक। ये बताएं कि दो दिन से अस्थि कलश यात्रा चल रही है, हम देख रहे थे कि बड़ी संख्या में जो है लोग इस अस्थि कलश यात्रा में हिस्सा लिए और अभी से देख रहा है कि जो व्यवस्था की गई है बैठने का वो आधा से ज्यादा फुल हो चुका है, तो ये चीजें दिखाता है कि शरद यादव को मधेपुरा के लोग प्यार करते थे। आदरणीय शरद यादव मधेपुरा ही नहीं, समस्त बिहार और समस्त हिंदुस्तान के शोषित पीड़ित दलित के नेता थे। उन्होंने सामाजिक न्याय को
ऊपर से लेके नीचे तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है, उनको जानकारी दी है, उनको सूझबूझ दिया है, उनको एक्टिव किया है और उनके उन्हीं के सूझबूझ दिलाने के कारण, जागरूकता के कारण आज जो शोषित पीड़ित दलित लोग जागरूक हुए हैं उन्हीं का यह परिणाम है कि ये भरी पंडाल में समस्त पूरा मधेपुरा शहर भरा हुआ है और हर जाति वर्ग के लोग इससे दुखी हैं और सब अपनी श्रद्धांजलि दे करके स्वर्गीय नेता के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हमारे साथ किसान नेता निराला जी भी हैं। निराला जी, जिस तरह से लोग आ रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में, हम देख रहे हैं कि अभी से ही मैदान भरा हुआ है, तो शरद यादव के प्रति ये लोगों का श्रद्धा दिखाता है, उनका जन नेता होने का प्रमाण है। बिल्कुल, ये लोक पुरुष हैं शरद यादव जी, जो देश को देख गए हैं, आने वाले भविष्य इनको जो है से देखिए कितना श्रद्धा से आए हैं लोग, दूर दूर से पूरे बिहार के लोग यहाँ जुटेंगे। बिहार सरकार के सब काबीना मंत्री माननीय ललित बाबू भी आए हुए हैं और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री श्याम रजक जी भी आए हुए हैं और तमाम यहाँ के जो इनका कार्यकर्ता है पूरा जो है से सारा राष्ट्रीय जनता दल की पूरी टीम आई हुई है और पूरा जो वोटर है इनका सब कार्यकर्ता मेन है वो सब आए हुए हैं अपने नेताओं का श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, जो एक देश के महान समाजवादी नेता थे, जो आने वाले भविष्य में उसकी भरपाई असंभव है। शरद यादव जैसे देश को नेता की भी जरूरत थी इस माहौल में, उनका जाना, शरद जी का जाना एक बहुत ही दुखद है और उन सब जो है से अपना आ रहे हैं श्रद्धांजलि। शरद यादव का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है और हम आपको बता दें कि शरद यादव कितने जनप्रिय नेता थे, ये उसका प्रमाण है कि अभी सभा होने में कई घंटे बाकी हैं। जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं वो पहुंचे नहीं हैं, लेकिन लोगों की जो है कतार लगातार स्टेडियम की ओर आ रही है, स्टेडियम में लगातार लोग बढ़ रहे हैं और बड़ी संख्या में जैसे जैसे समय होता जा रहा है बड़ी संख्या में लोग स्टेडियम पहुंच करके शरद यादव जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंच रहे हैं। यहां पे आप देखिए तमाम व्यवस्था कर ली गई है, यहां के देखिए तमाम नेता और कार्यकर्ता आरजेडी के बैठे हुए हैं मंच पर, अभी मंत्री और विधायक भी पहुंच रहे हैं, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं बीपी मंडल स्टेडियम से, मधेपुरा के बीपी मंडल स्टेडियम से, जहां आपसे कुछ देर बाद शरद यादव की स्मृति में जो है प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है अभी से ही आए हुए हैं, यहां बैठे हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए करने की और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से शरद यादव को याद करते हैं। और आप यहां आए हैं शरद जी को मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? बहुत अच्छा आदमी था, मधेपुरा जिला के लिए बहुत बहुत दिन से जानते हैं उसके बारे में, हम लोग के एमपी थे। जी जी, आप बाबा जी क्या बोल? हाँ ठीक है, हम भी वही जानते हैं, बहुत दिन से ये हमारे मधेपुरा का सेवा किए, बहुत दिन तक हमारा साथ रहे, हम लोग साथ रहे हैं, साथ हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। शरद यादव को कैसे याद कर रहे हैं कि यहाँ पे आप आए हैं श्रद्धांजलि सभा में, तो क्या सोच कर आए हैं? शरद यादव एक बहुत ही निडर समाजवादी नेता थे, आज सबसे ज्यादा उनकी जरूरत महसूस की जा रही है, जो उनमें निर्भय होकर बात रखने की और निडरता से जो बात करते थे और संघर्ष करते थे उन्हीं की याद को लेकर यहाँ पर हम अपनी श्रद्धांजलि देने आए। और वो उनकी सबसे बड़ी माने एक लीडरशिप वाला जो होता है वो गुण उनका जो था वो सबसे हमें प्रभावित करता है, बस इतना ही कह के हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। शरद यादव एक लीडर नेता थे, अपनी बातों को बहुत ही प्रखरता से बहुत ही ओज के साथ रखते थे, जरा भी हिचकते नहीं थे सही कहने में, ये कहना है लोगों का। वो एक ऐसे लीडर थे
जो बिना किसी लाग लपेट के जो सच होता था वो बोल देते थे। शरद यादव जी से मिले थे आप? नहीं, हमने मिले। यहाँ आए हैं क्या सोच के आए? देखने के लिए, जब उसका उनके प्रति संवेदना है, उसके लिए हमदर्दी है उससे। अच्छे नेता थे। अच्छा नेता थे, उनसे हमदर्दी है, इसलिए यहाँ आए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे शरद यादव जी के बारे में? शरद यादव जी एक सामाजिक नेता ही नहीं बल्कि एक संत थे। उनका जो क्रियाकलाप था किसी संत से कम नहीं था। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। संत थे शरद यादव, नेता नहीं थे। आप क्या कहना चाहेंगे? शरद यादव उत्कृष्ट नेता थे जिसमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी हुई थी, और संत तो थे। उत्कृष्ट नेता थे जिनमें ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। शरद यादव जो है कभी किसी से किसी को नहीं रोकते थे मिलने के लिए, उनका दरबार खुला रहता था। आप क्या कुछ बोलिए शरद जी के बारे में? हम महागठबंधन माले से हैं। हम लोग शरद यादव गरीब आदमी का मसीहा था, मंडल मसीहा। इसको अरमान को हम लोग पूरा करेंगे, लेकर के चलेंगे आगे और लड़ेंगे। देश के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। देश के लिए जुल्म कर रहा है जो सरकार, उसके खिलाफ में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। ये महंगाई पर, बेरोजगारी पर एक ठक रहा है ये केंद्र सरकार, इसके विरोध में हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। गांव-गांव में जाकर के कहेंगे जो ये सरकार जो महंगाई इतना किया है उसको बंद करने के लिए हम लोग नया सरकार बनावेंगे, नया चीज लाएंगे। यहाँ सर जी को मतलब याद कर रहे हैं? हम खूब याद कर रहे हैं। हम लोग उनके नाम से दो छाती चढ़ाते आज से नहीं, जबकि कपड़ा मंत्री हुआ तो वो सब हम दो छाती चढ़ाते हैं उनके नाम पर। शरद जी इतने बहादुर लोग हैं। किसान का महान नेता था वो, महान नेता था वो। आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं हम। हाँ, महान नेता थे, महान नेता थे। तो इस तरह से लोग जो है शरद यादव को याद कर रहे हैं। हम आपको स्टेडियम से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह लोग जो है शरद यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे शरद जी के बारे में? शरद जी के बारे में शरद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे शरद जी के बारे में? तो बहुत बड़ा नेता थे, हम लोगों को बहुत ही जिला को संभाले थे, मधेपुरा जिला को, और बहुत से काम दिए, बहुत से रोड बनवाए, गोदाम बनवाए। उनके साथ नेता मिलेगा कहाँ? उनको संजाति हम लोग अपील करते हैं, स्वर्गवास हो उनको, यही सब ना। और क्या कहेंगे, अभी तो देखिए रहे हैं इनके राज में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा हम क्या बताएं। अभी उनके बेटे और बेटी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं अस्थि कलश ले करके। तो आपको लगता है कि जो शरद यादव का सपना था उनके बेटे उसको संभाल पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे? जरूर इंशाल्लाह संभाल लेंगे। ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि जो बाप थे उस ढंग से बेटा भी संभालेंगे, ऐसा बात नहीं, संभालेंगे, जरूर संभालेंगे। देश के लिए उसको चाहिए ही चाहिए। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी बताइए, शरद यादव को कैसे याद करते हैं? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भला आदमी थे। इस इलाके में हम लोग चार बार उनको MP बनाए, बहुत तहे दिल से इलाका को सींचा है। वो पुला पुलिया सड़क रोड जो खींचा है उन्हीं के समय में हुआ है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तो इस तरह से लोग जो है शरद यादव को याद करते हैं। बहुत अच्छे नेता थे, जनप्रिय नेता थे, लोगों की हर समस्या के समाधान में लगे रहते थे। हम आपको बता दें कि शरद यादव के लिए आज मधेपुरा में जो है स्मृति सभा प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। रामचंद्र दास जी आए हैं, रामचंद्र दास जी कुछ युवा बैठे हैं, अपनी बात रखेंगे। नहीं आए तो, हाँ जी, लाइए लाइए इधर।
बाबा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं जी जी, क्या शरद जी के लिए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमको उतना आवाज नहीं मिला, ऊर्जा पल्सन नहीं मिला, उम्र से ज्यादा हो गया, कैसे होगा? सरकार जी का हुआ, ये डिप्टी सीएम को देने के लिए लाए हैं। हाँ, किसको? लालू यादव को बेटा को देने आए हैं, उसको देना है। ऐसे भी लोग काम नहीं होगा। हाँ, हम भी खड़ा होंगे, चुनौती देंगे। हाँ, मोदी के साथ हम भी लगे चाहते हैं, सतर्कता का मोदी को क्या रखा? सब चीज बेच लिया, क्या रखा बिहार में? लालू झारखंड बेचा तो कदा बहुत बेच लिया है, अपना तो पूरा देश को बेच लिया है, क्या रखा बिहार में? क्या रखा बोलिए? कुछ नहीं रखा है। हम क्या माँ को बेचना चाहते हैं, धरती माँ को? जल के राख हो जाता है, उसके लिए क्या बोलेगा? हाँ, इसके लिए हम भी खड़ा होंगे। हाँ, तो इस तरह से लोग जो है उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी है। आप देखिए इधर सब यूथ बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा है। जी सर, हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज बीपी मंडल से आए हैं। आज का जो युवा है से मतलब भूल गया है हमारे, मतलब जो भी है महान महापुरुष, लेकिन हम लोग मानते हैं जो भी हम लोग युवा है संपूर्ण, तो उन्हीं को सुनने आए हैं और अपने मंडल में श्री माननीय शरद यादव जी के श्रद्धांजलि में याद में आए हैं। डिप्टी साहब, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कुछ उपेक्षाएं भी लेके आए हैं। हाँ, उपेक्षाएं हैं कि हमारे शिक्षा में सुधार हो। इंजीनियरिंग कॉलेज तो नीतीश कुमार जी हर मतलब जिला में ये दिए हैं कि अब तेजस्वी जी का वारी आ रहा है तो सुधार कर, बहुत सारा कमी है, हम लोग मांग करेंगे अगर मौका मिले। शिक्षा में सुधार की मांग कर रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी यहीं के हैं चंद्रशेखर जी। हाँ सर, वो तो है। कैसे काम कर रहे हैं अभी? तो मतलब काफी, मतलब कि 10 तारीख को नीतीश कुमार जी का भी कार्यक्रम है हमारे कॉलेज में, तो अभी काफी सारा सुधार हो रहा है, तो अभी जो भी धीरे धीरे तो सब कुछ क्लियर हो ही रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारा दिक्कत है। संतुष्ट है? हाँ संतुष्ट है। आप लोग भी कुछ? तो इस तरह से बड़ी संख्या में जो आप देखिए यूथ जो है यहाँ पे हिस्सा लेने आए हैं इस सभा में, और जो है तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुनने आए हैं। जी बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? क्या बोलना हमको? अच्छे एक तो खिलाफ करना है जी, तो खिलाफ करना है इस तरह से। इधर भी बहुत संख्या में यूथ हैं और ये लोग शायद यहाँ कुछ मांग लेकर के आए हुए हैं। क्या आप लोग शरद जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं जी? और कुछ मांग भी है, और संगीत योग्यताधारी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ है जो कि लगभग सभी जिला में इसका संगठन बना हुआ है, और पद सृजित है, और चाहते हैं हम लोग बेरोजगार है और संगीत शिक्षकों की बहाली हो, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी को आए हैं। सातवें चरण शिक्षक के लिए, सातवें चरण में संगीत शिक्षकों की बहाली हो, इसलिए मंच पर भी। साली तो डिप्टी सीएम का बयान आया कि जल्दी ही जो है शिक्षा विभाग में 3 लाख लोगों को भरा जाए। जी भरोसा तो है, लेकिन फिर भी सोचे उप मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तेजस्वी यादव जी, तो सोचे जो मतलब ज्ञापन दे दिया जाए, तो हम लोग ज्ञापन देने के लिए यहाँ पे कुछ लोग जो है तेजस्वी यादव से कुछ उम्मीद भी लेके आए हैं। क्या क्या उम्मीद लेके आए, क्या कहना चाह रहे हैं? कि संगीत शिक्षकों की बहाली 2011 से अभी तक नहीं हुई है, जिसके वजह से हम लोग बेरोजगारी काफी हद तक हम लोगों का पहुंच चुके हैं बेरोजगारी, उसके लिए हम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। मैं महोदय जी से कामना करूंगा कि जल्द से जल्द 7वां चरण में इन्हें शामिल किया जाए, संगीत शिक्षकों की बहाली दिया जाए, ताकि हम लोगों का बेरोजगारी खत्म हो जाए। प्रसाद यादव, इस तरह से जो लोग हैं दिन के 11 बजे यहाँ आए हैं, तमाम तरह की जो उम्मीदें लगा करके यहाँ आए हैं, क्या क्या बोलना चाहते हैं? अपना स्थान ग्रहण कर ले और मधेपुरा की ऐतिहासिक धरती। तो कुछ देर के बाद बस खत्म कर भूपेन्द्र नारायण मंडल और बीपी मंडल की धरती रही है मधेपुरा में। चलिए, तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मधेपुरा स्टेडियम से, और
आज नहीं होते लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो मंडल बोलिए क्या बोला था अपने पास हमारा मशीन है 18 इंची वाला और 18 इंची वाला माननीय तेजस्वी जी फ्री कर दिया। गरीब आदमी है, बड़ी मिस्त्री, हम गरीब आदमी है, क्या करेंगे? ये कमा कर नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? चोरी डकैती करेंगे? उस पर कौन लगाता है? फॉरेस्टर रंजर कहता है 10 रुपया, हमको 10,000 दीजिए तब चलाइए। बड़ी मिस्त्री है, सबसे गरीब है, बेचारा है वो। तो इस तरह से लोग जो है कई उम्मीदें लेकर भी आए हैं तेजस्वी यादव से, आप क्या कर रहे हैं? तेजस्वी भैया से मिलना चाहते हैं, मेरा माई को इलाज करना चाहते हैं, आँख का वो इलाज करना चाहते हैं। क्या हुआ आपकी माँ? मेरा माई तो मोतिया बीम हो गया, उसका इलाज करना चाहते हैं। तेजस्वी भैया से मिलना चाहते हैं, पूरा मदद करें हम। क्या नाम है? सलमान खान। सलमान खान, सलमान नाम, सलमान नाम, हाँ मोहम्मद सलमान। तो तेजस्वी यादव जी से चाहते हैं कि वो आपकी मदद, आपकी मदर को दिखाने के लिए भी मिलकर, हाँ दिखाने चाहते हैं। मेरा अस्पताल में नहीं, माँ को दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर बोला विराटनगर ले जाने चाहते। देखिए हर तरह के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये अपनी माँ की इलाज के लिए यहाँ बैठे, उसी पर वोट देना चाहते हैं। तो इस तरह से लोग जो है बैठे हुए हैं, लोग उम्मीद रखे लगाए हुए हैं। यादव ने हम क्या किसी को पीछे में वार नहीं करते थे शरद यादव का, या देर था कि सामने सामने किसी। आप लोग कहाँ से आए? शरद यादव कहाँ से आए? निपागंज प्रखंड परवा पंचायत से। शरद जी को कहना चाहेंगे शरद जी के बारे में? आज जो बिहार के भविष्य है, शरद जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एक बजे पधारने का काम कर रहे हैं, आप तमाम साथी निश्चित रूप से ऐसी कार्यक्रम को सुनेंगे। शरद यादव को आप लोग शरद जी के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? आज ही शरद यादव एक अच्छा नेता थे, जो लोग अच्छा काम करते थे, बाजार होते हुए स्टेडियम हो ला देंगे। आप जानते हैं शरद जी अच्छा आदमी है, एक सीएस आया था, बहुत काम किया, हमको सब चीज मिला, सबको मतलब इंदिरा आवास घर। अभी मैं बिजली कट रहा है, बिजली कल भी धमकी दे के गया है कि आपका बिजली कट जाएगा तो पैसा जमा कीजिए। कहाँ से जमा करेंगे? माफ होना चाहिए, छूट होना चाहिए। आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी को यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं योगेश चक्रवर्ती, आरएनडी न्यूज़, मधेपुरा।